यहाँ की बातें कर तो बैठे रहेंगे। अब धर्म शास्त्र तो वेदार संग्रह वेदा वेदा ये बो कल इसका अर्थ नहीं हुआ। कल ये सूत्र पढ़ा था मात्र और फिर लाइट चली गई थी। ठीक है तो यहाँ पर समझा रहे हैं इस सूत्र को संभल के समझोगे तो तुम समझ पाओगे अन्यथा मिथ्यात्म में डूब जाओगे। सारस्वत सागर जी आप तो समझो, आपको तो खास करके विशेष समझना है। धर्म शास्त्राणी स्मृतियों तो इनमें हमको उतने ही धर्मशास्त्र देखना है जिसमें अहिंसा दया करुणा मैत्री भाव नीत है। इसके साथ साथ जिसमें विपरीत मार्ग पर श्रद्धा खड़ा करने का उपदेश न हो उतने ही अंश को ग्रहण करना चाहिए। जो विपरीत मार्ग पर श्रद्धा खड़ी कराने की दृष्टि है उस अंश को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये भी करके आगे क्या तो स्मृति वेदार्थ संग्रह वेदा एवं तो धर्म शास्त्र सिद्धांत ग्रंथ स्मृतियां आचरण शास्त्र इन सब द्वासांग रूप वेदों के पदार्थों संकलन किया गया है। उन द्वासांग सूत्र की तरह से भी प्रमाणीभूत हैं। कौन प्रमाणीभूत हैं? जैसे कि धम्मस्य मूलम दया। अब ये इस सूत्र को किसी भी ग्रंथ में किसी ने लिख के रखा हो जैसे महाभारत में अहिंसा परमो धर्मा ये लिखा हुआ है तो जेएनयू ने कभी विरोध नहीं किया, स्वीकार किया है। बोले क्यों किया? कि अहिंसा परमो धर्मा भले महाभारत में लिखा हुआ है, हमारा तो प्राण अहिंसा परमो धर्म हमारे ग्रंथों में लिखा ही है तो उसको हम आगम मानते। किसको? अहिंसा परम ब्रह्म है, अहिंसा परम धर्म है, हमारा धम्मस्य मूलम दया है, धम्मो दया। तो हम ये मानते हैं जो वहाँ लिखा हुआ है हमारे मूल धर्म से गई वस्तु है इसलिए हम उसको आगम मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से परिस्थिति सेवन नहीं करना चाहिए। यदि वो वेद में भी लिखा हो तो हमको स्वीकार है, नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा मूल व्रत है, श्रावक के लिए व्रत है, चोरी नहीं करना चाहिए। यदि कहीं भी लिखा है हम स्वीकार, हमारे लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहीं भी लिखा हो हमको स्वीकार है, हमारे आगम की बात है, हम आगम वचन है। आप समझ नहीं, मैं बोल क्या रहा हूं? जो विषय अभिसंवादी हैं, जो आचारांग सूत्र को विघात नहीं करते हैं, जो सम्यक श्रद्धा को दूर नहीं भगाते नहीं है और जिनके माध्यम से न्याय नीति का पालन होता है वो हमको स्वीकार है। इसलिए वो लोग रूढ़ी स्वीकार है जिसमें मिथ्यात् की पुष्टि ना होती हो। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।